हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो मैसेजेस आ रहे हैं ना मेरे पास में, सर राजस्थान पुलिस का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है पेपर हुए हुए, 2 महीने से ज़्यादा टाइम आपके एग्ज़ाम्स को हो गया है, अब कब तक रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट। राजस्थान पुलिस में टेक्निकल पोस्टें होती हैं ना, उनके अब फिजिकल होने वाले, जैसे घुड़सवार, बैंड और इनके अलावा ड्राइवर्स, तो इनके अभी दक्षता परीक्षा होनी है और राजस्थान पुलिस जो GD से फॉर्म भरे हैं उनका रिजल्ट आना है। तो सबसे पहले अपन टेक्निकल पोस्ट की बात करते हैं। तो देखो, इनमें जो दक्षता परीक्षा या मापतोल परीक्षा से संबंधित एक शॉर्ट नोटिस है वो जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि भाई इनकी जो ये दक्षता परीक्षा है ना, ये इनकी सूचना चाहिए, इनको ग्राउंड्स की सूचना चाहिए जहाँ पे इनकी दक्षता परीक्षा करवाई जाएगी, और 23/8/2024 तक ये सूचना है ना वो भेजनी है रेंज मुख्यालय पे। ये सूचना है वो रेंज मुख्यालय पे ये परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी, इनकी दक्षता परीक्षा जो टेक्निकल पोस्टों वालों की होती है, जबकि GD वालों के फिजिकल भी हो चुके हैं, एग्जाम भी हो चुके हैं। अब जो आपका रिजल्ट आएगा ना साथियों, GD का जो रिजल्ट आएगा वो मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 दिन का टाइम और बचा है। 2 से 4 दिन का टाइम, हो सकता है आज ही आ जाए, लेकिन मैं तो ये मैक्सिमम बता रहा हूँ कि भाई 2 से 4 दिन का टाइम है ना वो और बचा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में क्या होगा कि जितने कैंडिडेट्स का चयन होगा ना, जिनका चयन होगा उनका ही इसमें नाम होगा, यानी कि ये फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये वाली जो लिस्ट आएगी ना ये फाइनल मेरिट आएगी, जिनका इनमें चयन होगा उन्हीं का नाम इस वाली लिस्ट में होगा। फिर उसके बाद में क्या होना साथियों, उनके बाद में आपके DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल टेस्ट है ना वो होना है, और फाइनल रूप से इसमें ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। हालांकि लगभग लगभग जिनका फाइनल मेरिट में नाम आता है उनका यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग है उनको मिल जाती है, और मेडिकल में अगर जिनके कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल में अनफिट है, उनको बाहर भी निकाला जाता है। फिर उसके बाद में जितने स्टूडेंट्स मेडिकल में बाहर निकालते हैं, फिर उनके बाद में यानी कि दोबारा वेटिंग लिस्ट है ना वो जारी की जाती है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है इनका, GD वालों का तो ये प्रोसेस रहने वाला है। जबकि यहाँ पे अगर अपन टेक्निकल की बात करते हैं ना, टेक्निकल पोस्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो टेक्निकल पोस्ट वालों का अभी है ना वो यहाँ पे दक्षता टेस्ट होना है। दक्षता टेस्ट जो इसमें टॉप आएंगे उनकी यानी कि कट ऑफ है वो जारी की जाएगी। फिर उसके बाद में उनका DV है ना वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, उनका मेडिकल होना है, और फिर उनको फाइनल रूप से है ना वो ज्वाइनिंग दी जाएगी, फाइनल रूप से फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो टेक्निकल पोस्ट वालों की हमेशा लेट थोड़ी ज्वाइनिंग दी जाती है, और जो GD वालों की ज्वाइनिंग है ना वो जल्दी होती है। अब आप सोच रहे हो कि सर इनकी दक्षता होगी, फिर उनके बाद में जब इनका रिजल्ट आएगा उनके साथ में ही हमारा रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। GD का रिजल्ट है ना वो हमेशा पहले आता है, और GD में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन के अंदर अब आपको ज्वाइनिंग भी है वो मिल जाएगी। तो ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।